जम्मू और कश्मीर में रिसेंटली हुए असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट तो सभी जानते हैं, और ये भी कि कैसे ये नतीजे काफी लोगों के लिए शॉकिंग रहे हैं, स्पेशली तब जब यहाँ पर एनसीए और कांग्रेस अलायंस को जीतते हुए देखा गया। अब इस सरप्राइज का रीजन तो आप जानते ही हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर को 1947 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के बाद ये स्टेट ऑफिशियल भारत में शामिल हुआ था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल पावर्स दिए गए थे जो बाकी स्टेट्स के पास नहीं थे। ये एक टेम्पररी प्रोविजन थी, लेकिन धीरे धीरे इसने एक परमानेंट शेप ले लिया और ये स्टेट के आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गई। 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी सरकार ने इस प्रोविजन को खत्म कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया। आर्टिकल 370 का हटाया जाना नेशनल लेवल पर बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों में इसके प्रति मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये उनके राइट्स और आइडेंटिटी पर एक वार था, जबकि कुछ और लोगों ने इस मूव को वेलकम किया, ये कहकर कि अब उन्हें इंडिया की मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया गया है। और यही रीजन था कि शायद इस बार जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस में लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पर इसका कुछ विपरीत ही देखने को मिला। तो जहां अभी लोग इस शॉक से उभरे ही नहीं थे, एक और शॉक रिसेंटली सामने आया है जो फिर से जम्मू एंड कश्मीर असेंबली से ही है। इलेक्शन के बाद असेंबली का पहला सेशन अभी शुरू ही हुआ था कि आर्टिकल 370 को लेकर फिर से एक जबरदस्त कन्फ्रंटेशंस देखने को मिले हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहले सेशन पर ही जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का माहौल इतना भड़का हुआ नजर आया कि जिसके बाद लीडर्स अपने कमेंट्स करने से रुक नहीं पा रहे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ है। तो आपको बता दूं कि पीडीपी एमएलए वही पारा ने आर्टिकल 370 को वापस लेने का एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और ये प्रपोजल बीजेपी एमएलएस के लिए एक मेजर सेटबैक साबित हुआ। पर यह हंगामा बस एक पॉलिटिकल स्टंट था या सच में इस रेजोल्यूशन में कुछ इम्पैक्ट है, इस मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। बात शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के नए असेंबली की। तो पीडीपी एमएलए वहीद पारा ने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया और कहा कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। पारा, हु रिप्रेजेंट द पुलवामा असेंबली सीट, सबमिटेड द रेजोल्यूशन टू न्यू इलेक्टेड स्पीकर अब्दुल रहीम रथीर एंड रिक्वेस्टेड डिसीजन ऑन द मैटर ड्यूरिंग 5-day सेशन despite not being a part of the agenda. Resolution kehta hai, although the agenda of the house has been finalized, we believe that your authority as the speaker allows the inclusion of the resolution as it reflects the sentiment of people at large. Jiske baad 28 Jammu and Kashmir BJP MLAs khade hue aur unhone is move ko oppose karna shuru kar diya, leading to a noisy scenes inside the assembly. Ye agitation itna zyada ho gaya ki speaker ke shant karwane par bhi nahi ruka. BJP ki leaders ka kehna tha ki Wahid Para ne ye resolution sirf ek political stunt ke liye introduce kiya hai. Shyam Lal Sharma, BJP ke ek prominent leader ne kaha, ye resolution sirf votes ke liye hai. इसका स्टेट की गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट असेंबली सेशन में हुए इस इंसिडेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को भी बोलने पर मजबूर कर दिया, और देखिए उन्होंने इस पर क्या रिएक्ट किया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं, हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस के तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है।
तो जहां एक और जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट सुनाई दिया, तो वहीं दूसरी ओर पीपल कॉन्फ्रेंस लीडर सजाद ने उन्हें टॉन्ट किया फॉर गिविंग कश्मीरी शॉल्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेजोल्यूशन के बारे में पब्लिक के ओपिनियंस भी डिवाइडेड है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर वहीद पारा के इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। महबूबा मुफ्ती ने भी पारा के रखे गए प्रपोजल पर ट्वीट करते हुए कहा है दैट शी इज प्राउड ऑफ वहीद पारा। लेकिन कई नए नए यूथ लीडर्स ने भी ये सवाल उठाया है कि क्या ये सच में स्टेट के फ्यूचर डेवलपमेंट और पीस के लिए बेनिफिशियल होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने आर्टिकल 370 पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता, ये अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है और हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट और ग्रोथ का नया एरा शुरू हुआ है जो वापस नहीं बदला जा सकता। बीजेपी के एमएलएस का ये कहना है कि आर्टिकल 370 का रेवोकेशन से जम्मू एंड कश्मीर में पीस और इंटीग्रेशन बढ़ रही है। बीजेपी एमएलए रविंद्र रैना ने कहा है आर्टिकल 370 को हटाकर हमने देश के इस हिस्से को पूरे भारत के साथ जोड़ा है, अब इस इशू पर कोई वापस डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन इसी के ऑपोजिट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर्स इस बात को समर्थन नहीं देते हैं। वहीद पारा ने कहा अगर लोग आर्टिकल 370 वापस चाहते हैं तो उनकी आवाज को असेंबली में उठाना हमारी जिम्मेदारी है। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अब भी आर्टिकल 370 को एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर यूज कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच एक म्यूचुअल कंसेंसस हो तो कुछ लीगल अमेंडमेंट्स के जरिए आर्टिकल 370 या कुछ प्रोविजंस वापस लाए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और पॉलिटिकल विल इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। आर्टिकल 370 का रेवोकेशन और अब इसके वापस आने की डिमांड पर पब्लिक की मिक्स रिएक्शंस हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में अब भी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को लेकर सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन नई जनरेशन का एक हिस्सा जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है वो शायद आर्टिकल 370 के रेवोकेशन को जरूरी मान रहा है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा ट्रेंडिंग है और वहाँ के कुछ सीनियर सिटीजंस का कहना है कि आर्टिकल 370 वापस आ सकता है अगर लोगों की मेजॉरिटी ये चाहती है। ट्विटर और फेसबुक पर भी इस मुद्दे पर कई डिस्कशंस और डिबेट्स हो रही हैं और लोग अपने अपने ओपिनियंस रख रहे हैं। एनसी के लीडर और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के खिलाफ हैं और वो स्टेटहुड और आर्टिकल 370 के इशू पर डायलॉग के लिए सेंटर पर प्रेशर डालेंगे। ओमर अब्दुल्ला ने कहा था द स्टेट डिजर्व्स इट्स राइट्स बैक, अब हम आर्टिकल 370 के बारे में सीरियस डिस्कशन करेंगे और ये हमारा गोल होगा कि इसे वापस लाया जाए। अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग भी की जिसमें उन्होंने स्टेटहुड और आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के लिए डिस्कशन की बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्टेटहुड वापस देने का वादा किया है और अब वो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉमिस कुछ वक्त में पूरा किया जाएगा। एनसी और कांग्रेस का अलायंस और फिर स्टेट के नए असेंबली में उनकी मेजोरिटी का होना अब बीजेपी के लिए एक चैलेंज बन गया है। अब इस नए अलायंस ने आर्टिकल 370 के इशू को अपना प्राइमरी फोकस बना दिया है। उनका कहना है कि ये अब सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं बल्कि स्टेट की आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का मुद्दा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये अलायंस अपनी स्टेबिलिटी बनाए रख सके तो ये मुद्दा 2029 के जनरल इलेक्शंस में भी नेशनल लेवल पर उठेगा। अब देखना ये है कि ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स अगले इलेक्शंस पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं और क्या आर्टिकल 370 के इशू पर कुछ और डेवलपमेंट्स आएंगे या नहीं। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर जम्मू एंड कश्मीर में तो अब क्लैरिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेजर पार्ट बना रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इस इशू का सॉल्यूशन अब भी कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूचर में क्या आर्टिकल 370 वापस आ सकता है ये अब भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर डायलॉग और पॉलिटिकल विल हो तो कुछ स्टेप जरूर लिए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज कितना एफर्ट लगाते हैं और क्या आर्टिकल 370 वापस लाना एक रियलिटी बन सकता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो मोर अबाउट दिस इशू।